नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अगस्टा वेस्टलैंड मामले में सीबीआई ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को किया गिरफ्तार। गौतम खेतान और जूली त्यागी की भी हुई गिरफ्तारी। अवैध व भ्रष्ट तरीकों के जरिए दबाव डालकर डील करने का है आरोप। चांदनी चौक में एक्सिस बैंक की शाखा पर आयकर विभाग का छापा। 15 फर्जी खातों में 450 करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा। इससे पहले कश्मीरी गेट की शाखा पर भी की गई थी कार्रवाई। नोटबंदी के बाद नोट पकड़े जाने का सिलसिला जारी। मुंबई के माटुंगा से बरामद किए 73 लाख के नए नोट, तो वहीं गुजरात के सूरत से भी 76 लाख के 2000 के नए नोट पकड़े गए। मामले की जाँच में जुटी पुलिस। नोटबंदी के बाद जाली नोटों पर लगाम लगाने के लिए प्लास्टिक करेंसी लाएगी केंद्र सरकार। 5 शहरों में 10 रुपए के 10 लाख प्लास्टिक नोट किए जाएंगे जारी। शहरों में जयपुर, मैसूर, शिमला, भुवनेश्वर और कोची शामिल। सेना विवाद पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिया आड़े हाथ। चिट्ठी लिखकर कहा, सेना को राजनीति में घसीटना ठीक नहीं। मुख्यमंत्री दफ्तर के पास सेना की तैनाती पर ममता ने मोदी सरकार पर तख्ता पलटने का लगाया था आरोप। भारत इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म। टीम इंडिया ने एक विकेट के नुकसान पर 146 रन बनाए। मुरली विजय 70 और चेतेश्वर पुजारा 47 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड ने पहली पारी में बनाए 400 रन। और मिस्र की राजधानी काहिरा में सुरक्षा चौकी पर बम विस्फोट। 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत, 3 जख्मी। किसी भी आतंकवादी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।